हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, पहला, कैसे हैं आप सब लोग? और आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भावना पहाड़ी में। तो दोस्तों, आज है रामनवमी, तो रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो आज नवी नवरात्रि है, तो मेरे भी फास्ट चल रहे थे आज, जो है सभी की जो है नवी नवरात्रि पूरी हो जाएंगी और बहुत अच्छे से गई होंगी सबकी नवरात्रियाँ। तो 5:15 हो रहे हैं, 4:30 बजे से मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज कन्या पूजन करना है। तो मैं टाइम से उठ गई थी, नहा लिया है, नहा के मैंने पूजा भी कर ली है, आपको दिखाती हूँ। तो ये मंदिर में मैंने दिया जला दिया है, भगवान जी को नहला के, सारे भगवान जी को, और दिया जला दिया अंदर। और बाकी किचन में मैंने झाड़ू पोछा करके चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। आई थिंक पक भी गए होंगे और उजाला होने वाला हो रहा है क्योंकि मुझे 7:30 बजे जो है कन्या को पूजना है, क्योंकि पता नहीं पंकज सर का ऑफिस है नहीं है, है? आपका ऑफिस बॉयल हो गए होंगे, तो फटाफट से मैं करती हूँ किचन का काम, उसके बाद सारे पकवान बना के फिर जाके मैं तैयार होंगी, मतलब साड़ी वाड़ी पहनूंगी, फिर जाके मंदिर वगैरह जाएंगे, फिर आपको ब्लॉग दिखाएंगे। तो फटाफट से मैं पहले अपना होता है कि कन्याएं मिलती नहीं है, क्योंकि सबके व्रत होते हैं और कन्याएं सबको चाहिए होती हैं, तो इस वजह से मेरा काम निपट चुका है। बाकी अभी हमने भोजन नहीं करा है, तो अभी हम थोड़ी देर में रुक कर करेंगे। और साथ में यहाँ पर हमारी भाभी बना रही है अभी खाना, ये हमारी ताई। हेलो ताई, नकली माउस सोने का चाकटी बनू सोनो। और ये है मेरी भाभी, हैप्पी रामनवमी, हैप्पी नवरात्रि। यहाँ पे भाभी का हलवा बन रहा है और चने बन गए हैं, पूरी बनानी है अभी, बनाऊंगी मैं भाभी के संग, हेल्प करूंगी।
और यहाँ तरी वाले चने रखे हैं, और अभी फिर बाद में हम लोग सब साथ में खाना खाएंगे, क्योंकि मेरी चाय कहाँ है, ठंडी हो गई, गर्म मैं भूल गई थी, तो फिर भाभी की हेल्प करती हूँ, आप फटाफट से चलिए। मैं सबकी हेल्पर हूँ, मैं हमेशा सबकी हेल्प करती हूँ, पर मेरी हेल्प कोई नहीं करता है, वैसे हेल्प नहीं, मतलब मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ ऐसा नहीं है, पर लोग मेरे लिए गलत कर देते हैं। मैं तो अच्छा करती हूँ, लोगों की बात कर रही हूँ मैं, लोग अब लोग की बात कर रही हूँ, तो बाहर के लोग नहीं है यार, फिर ऐसे ही होता है ना, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम जिसकी हेल्प कर रहे वो भी हमारी हेल्प करे, है ना, बट भगवान जी जो है ना किसी को मतलब हेल्प करने के लिए किसी भी रूप में भेज सकते हैं, ठीक है ना, हम उसी इंसान से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि अगर मैं हेल्प कर रही हूँ तो यही मेरी हेल्प करेगी, नहीं ऐसा नहीं होता, बट हाँ भगवान जी जो है किसी दूसरे के थ्रू जो है हमारी मदद करते हैं। और हम मैं पीती हूँ चाय, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे से उठी हूँ, हालांकि मम्मी ने एक बार चाय पिलाई थी और अभी भाभी ने भी दी थी, पर मैं फिर भूल गई और ठंडी हो गई थी, अब दोबारा से पीते हैं, फटाफट से भाभी की हेल्प करते हैं। हाँ भाभी भी उठी थी, मैं उठी तो भाभी भी उठी थी, बट भाभी आपको पता ही है हमारी स्लो रहती है, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, बट स्लो नहीं रहते हैं, बच्चे नहीं रहे, सभी मेरे से स्लो रहती है, मैंने भी तो सब अकेले ही किया है, मैंने बच्चों एक झाड़ू पोछा मंत्र पंकज सर ने किया, बाकी सारा काम मैंने किया, छोटी मोटी हेल्प कर दे रहे थे वो, बाकी ऑलमोस्ट मैं फटाफट कर देती हूँ, मुझे ऐसे दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत है नहीं, आधा हेल्प तो दादी ने मेरा रहता है। हाँ तो फिर तेरी हेल्प नहीं करी, और जिज्ञासा लोगों को नहलाया, मैंने तो खाना वाना सारा सब कुछ मेरे द्वारा ही बनाया गया है, बस सिर्फ झाड़ू और पोछा जो है पंकज सर ने लगाया और सब मैंने किया दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ नदी पर, और इस नवरात्रि पर मैंने की थी कलश की स्थापना, पहली बार की है, तो हमने पंडित जी से पता किया तो उन्होंने बोला था कि कन्या पूजन के बाद नवमी के दिन जो है आपने जो कलश की स्थापना करी है उसे नदी में विसर्जन कर देना, तो बस मैं वही विसर्जन करने आई हूँ यहाँ पर, और वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि नदी का जो बहाव है उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मतलब मैं बोल भी रही थी तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो बस यहाँ पर हम करते हैं विसर्जन। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं, और मेरे जो नवरात्रि हैं बहुत अच्छे से मतलब सफल हो गए हैं, और कन्या पूजन भी मेरे बहुत अच्छे से हो गया था, और थैंक यू माता रानी, और इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।